लंबोदरम परम सुंदरमेक दंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमम पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल का कार्यक्रम। मैं आचार्य पंकज शास्त्री, और दैनिक राशिफल के कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे 16 अक्टूबर 2024 की। आज के पूरे दिन का हाल लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मेष से मीन राशि पर्यंत चर्चा करेंगे। 16 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आज आपकी राशि के अनुसार आपका लकी कलर, आपके लिए शुभ रंग कौन सा रहेगा, अपनी उन्नति और तरक्की के लिए आज आपको कौन सा दिव्य प्रयोग करना चाहिए, जो उपाय आपको पूरे दिन भर पॉजिटिव एनर्जी देने का कार्य करेगा, आज आपको कौन सी दिशा में यात्रा करने से बचना होगा, यात्रा की सही दिशा आज कौन सी रहेगी, आज के सभी शुभ अशुभ मुहूर्तों की स्थिति क्या रहेगी, तमाम बातों की चर्चा इस कार्यक्रम के अंतर्गत करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले आज के शुभ पंचांग के साथ। 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के साथ आज भुवन भास्कर सूर्यदेव उदय होंगे। प्रिय दर्शकों चतुर्दशी तिथि रात 8:40 तक रहेगी, उसके उपरांत पूर्णिमा तिथि होगी। आज का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, जो कि शाम 7:16 तक का रहेगा, उसके बाद रेवती नक्षत्र होगा। ध्रुव योग सुबह 10:08 तक रहेगा, उसके बाद व्याघात योग होगा, जबकि आज गर करण रहेगा। आज के सभी शुभ अशुभ मुहूर्तों की स्थिति को देखें तो प्रिय दर्शकों आज राहु काल का अशुभ समय मध्याह्न काल दोपहर पूर्व 12:06 से प्रारंभ होगा, दोपहर 1:32 तक का रहेगा। आज गुलिक काल का समय प्रातः काल 10:40 से लेकर के मध्याह्न काल 12:05 तक का रहेगा, और अभिजीत का शुभ मुहूर्त 11:43 पर प्रारंभ होगा, मध्याह्न काल 12:29 तक का रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु काल का जो समय होता है वह अशुभ समय होता है। राहु काल में आपको किसी भी शुभ व मांगलिक कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, जबकि अभिजीत मुहूर्त और गुलिक काल का समय शुभ होता है। अभिजीत मुहूर्त के दौरान धर्म कर्म पूजा पाठ और दान पुण्य के कार्यों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जबकि गुलिक काल के दौरान आप दैनिक दिनचर्या से संबंधित कार्य, नौकरी, यात्रा, व्यवसायों से संबंधित कार्यों को कर सकते हैं। आज के दिशाशूल की चर्चा करें तो प्रिय दर्शकों आज बुधवार का दिन है, और बुधवार का जो दिशाशूल होता है वह उत्तर दिशा का रहता है, यानी आज के दिन आपको उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचना होगा। आज यात्रा की सही दिशा रहेगी नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण में आज आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यदि आवश्यक स्थिति में उत्तर दिशा की ओर यात्रा करनी पड़े तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो प्रिय दर्शकों कुछ कदम आपको नैऋत्य कोण जाना चाहिए, फिर वहां पर एक क्लॉक वाइज परिक्रमा करें, उसके बाद आप यदि उत्तर दिशा की ओर यात्रा करते हैं निश्चित ही आपकी यात्रा सुखद होगी, मंगलमय होगी। प्रिय दर्शकों आज चंद्रमा का संचरण मीन राशि पर रहेगा और सूर्यदेव का संचरण कन्या राशि के अंतर्गत रहेगा। आज उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र है, पूरे दिन भर पंचक व्याप्त रहेगा। पंचक में कौन से 5 कार्य नहीं करने चाहिए इस पर कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं आज का दैनिक राशि फल का कार्यक्रम, और शुरुआत करते हैं हर दिन की तरह मेष राशि से। मेष राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। मेष राशि के जातक हो अचानक से आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आज के दिन कहीं पर कोई पैसा आपका फंस सकता है, नौकरी व्यवसाय की स्थिति को लेकर के परेशान रह सकते हैं। आज गुप्त शत्रु आपको परेशान करने का कार्य करेंगे। आज बिजनेस के क्षेत्र में विशेष रूप से आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज के दिन व्यर्थ में किसी से भी उलझने से आपको जरूर बचना होगा। मेष राशि के आप जातक हैं, बिना विचारे कोई भी कार्य न करें। आज आपका लकी कलर रहेगा डार्क ग्रीन। उपाय के तौर पर आज मेष राशि के जातकों को ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी पेशेंट की आप सहायता कर दें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि,
वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन बेहतर होगा। आज अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। अचानक से आने वाला धन आपके दिन को और बेहतर बनाने का कार्य करेगा। बड़े भाइयों के सहयोग से आपके कार्य बनने वाले हैं। बिजनेस को लेकर के आज कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है। आज के दिन राजनैतिक लाभ आपको प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को आज बहुत उत्तम दिन देखने को मिलेगा। आज लव लाइफ बेहतर होगी। प्रपोज करने के लिए आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। लकी कलर रहेगा आपका सुनहरा। उपाय के तौर पर आज वृषभ राशि के जातकों को किसी भी धार्मिक स्थान पर अन्न का दान करना चाहिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों को आज कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में तरक्की होगी। आज के दिन व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहेगी, लेकिन नौकरी का क्षेत्र प्रभावशाली रहेगा। आज कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आज के दिन आपको दिग्भ्रमित होने से बचना होगा। कंफ्यूजन की स्थिति से बचिएगा, कंफ्यूज क्रिएट न करें। आज कोई भी निर्णय ले रहे हैं, सूझबूझ के साथ निर्णय लीजिएगा। जो आपके सीनियर्स हैं उनकी बात मान करके आप यदि कोई डिसीजन लेते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए जातकों को थोड़ा बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर आज मालामाल होने वाला है। आज के दिन आर्थिक स्थिति के मामलों में भी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। आज माता पिता के सहयोग से आपके कार्य बनेंगे, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान भी रखिएगा। लकी कलर रहेगा आपका आज ओलिव ग्रीन। उपाय के तौर पर आज मिथुन राशि के जातकों को ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान गणपति को थोड़ा सा दुर्वा चढ़ाइए, थोड़ा सा दुर्वा घिसकर उसका तिलक धारण करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। कर्क राशि के जातकों को आज बेहतर दिन देखने को मिलेगा। भाग्य के सहयोग से रुके हुए कार्य आपके बनने लगेंगे। आज के दिन भाग्य का तारा बुलंदी पर होगा। धार्मिक कार्यों की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है। कर्क राशि के जातक को आज कॉन्फिडेंस की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से आपको जरूर बचना होगा। बिजनेस के क्षेत्र में विशेष रूप से ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। आज के दिन भाई बहनों का सहयोग भी अच्छा रहेगा। किसी भी धार्मिक स्थान पर सेवा करना आज आपको लाभ पहुंचाने का कार्य करेगा। लकी कलर रहेगा आपका मस्टर्ड येलो। सिंह राशि के जातकों को आज सतर्क सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सतर्कता बरतिएगा। आज के दिन अचानक से होने वाले दुर्घटना आपको परेशान कर सकती है। खूब भागदौड़ करेंगे, चोट इत्यादि की स्थिति देखने को मिलेगी। आज के दिन खानपान का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। सिंह राशि के जातक हो, खानपान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पैतृक संपत्ति से आपको कुछ लाभ हो सकता है। पारिवारिक सहयोग की आज कमी रहेगी। लकी कलर रहेगा आपके लिए बरगंडी। उपाय के तौर पर आज सिंह राशि के जातकों को कुछ समय ध्यान मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि के जातकों को आज मिलाजुला दिन देखने को मिलेगा। बिजनेस में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन मैरिड लाइफ आज आपकी डिस्टर्ब रह सकती है। छोटी मोटी बातों को लेकर के पार्टनर के साथ बड़ा विवाद देखने को मिल सकता है, इसलिए गुस्सा करने से आपको जरूर बचना होगा। कन्या राशि के जातक हो, आज पैसों के मामले में भी थोड़ा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कोई षड्यंत्र व फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। लकी कलर रहेगा आपका आज लाइट ग्रीन। उपाय के तौर पर आज कन्या राशि के जातकों को किसी भी धार्मिक स्थान पर यदि आप फल दान कर दें या जरूरतमंद लोगों को फल बांट दें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। तुला राशि के जातकों को आज सतर्क सावधान रहना होगा। आज के दिन आपका पैसा कहीं पर फंस सकता है। कर्ज की स्थिति को लेकर के आज आप परेशान रह सकते हैं। तुला राशि के आप जातक हैं, आज के दिन आपको किसी भी स्थिति में कर्ज लेने से वो लोन लेने से जरूर बचना होगा। यदि आप तुला राशि के जातक हैं, शॉर्टकट तरीकों से अपने इनकम को जनरेट करते हैं तो यहां पर भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। यात्राओं की स्थिति आज थकाने वाली होगी, तो यथासंभव प्रयास करिएगा आज अधिक यात्रा करने से आपको बचाव करना होगा। लकी कलर आपका क्रीमी रहेगा। उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को आज के दिन
ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर थोड़ा सा सरसों का तेल अर्पण करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा। आज के दिन स्टूडेंट के लिए बहुत उत्तम दिन है। आज प्रेम संबंधों को लेकर के आपने सतर्क सावधान भी रहना है। आज पार्टनर का आपके साथ झगड़ा हो सकता है, ब्रेकअप की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। वृश्चिक राशि के जातक हो, आज के दिन इनकम की स्थिति आपके लिए अच्छी है, नौकरी की स्थिति भी अच्छी है, बिजनेस को लेकर के कोई दाव पेच आपका उल्टा पड़ सकता है, इसलिए जरूरत से ज्यादा सोच विचार करने से आपको बचना होगा। वृश्चिक राशि के जातक हो, लक कलर रहेगा आपके लिए आज लेमन। उपाय के तौर पर आज वृश्चिक राशि के जातकों को ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करते हुए मां लक्ष्मी की आराधना आपको करनी चाहिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। धनुराशि, धनुराशि के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा। आज के दिन नौकरी के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ होंगे। आज नौकरी का क्षेत्र उत्तम रहेगा, व्यवसाय का क्षेत्र भी उत्तम रहेगा। आज कोई बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान में भी आज वृद्धि होगी, इनकम की स्थिति में आज सुधार होगा। आज के दिन भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित तो नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए कोई विवाद करने से आपको जरूर बचना होगा। लकी कलर रहेगा धनुराशि के जातकों के लिए गोल्डन। उपाय के तौर पर आज धनुराशि के जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान नारायण का पूजन करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा। आज कॉन्फिडेंस लेवल आपका गजब का रहेगा। आज के दिन भाग्य के सहयोग से आपके कार्य बनने वाले हैं। आज बड़े बुजुर्गों का सहयोग आपके साथ रहेगा। कोई कार्य आपका बार बार रुक जा रहा था तो संभव है आज आपका कार्य बन जाएगा। आज के दिन मकर राशि के जातकों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, ड्राइव इत्यादि करते हैं सतर्क सावधान रहिएगा, और आज के दिन आपको उतावलेपन से यानी जल्दबाजी से जरूर बचना होगा। लकी कलर रहेगा आपका आज स्लेटी। उपाय के तौर पर आज मकर राशि के जातकों को ओम दुर्गायै नमः मंत्र का जप करते हुए मां भगवती की आराधना कर दे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति में आज विशेष रूप से लाभ होगा। कुंभ राशि के जातक हो, आज धन की स्थिति में मजबूती आएगी, पारिवारिक सहयोग आपके साथ रहेगा, नौकरी व्यवसाय की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन आज के दिन कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, मानसिक रूप से आप तनाव में रह सकते हैं, व्यर्थ का भागदौड़ होगा, उलूल जुलूल फैसले आप ले सकते हैं, ऐसे स्थिति से कुंभ राशि के जातकों को बच करके रहना होगा। लकी कलर रहेगा आपका आज नेवी ब्लू। उपाय के तौर पर आज कुंभ राशि के जातकों को गौ माता की सेवा करनी चाहिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। चर्चा भचक्र की अंतिम राशि मीन राशि, मीन राशि के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा। स्थिरता पूर्वक कार्य कर पाएंगे। आज के दिन व्यवसाय की स्थिति उत्तम है, पारिवारिक स्थितियां आपके विपक्ष में रह सकती हैं। आज आपके घर वाले आपसे शिकायत कर सकते हैं समय न देने की वजह से। मीन राशि के जातक को आज के दिन कंफ्यूजन की स्थिति से बिल्कुल के बच मीन राशि के जातक को आज कंफ्यूजन की स्थिति से बिल्कुल बच करके रहिएगा। आज कही सुनी बातों पर आपको विश्वास करने से बचना चाहिए, इस बात का आज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। लकी कलर आपके लिए रहेगा सैफ्रॉन। उपाय के तौर पर आज मीन राशि के जातकों को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ अवश्य देना चाहिए, सूर्यदेव की आराधना करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और अब आज की विशेष चर्चा, प्रिय दर्शकों, आज उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र रहेगा, दोनों ही नक्षत्र पंचक के नक्षत्र हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें पंचक में ये पांच कार्य करने से आपको सर्वथा बच करके रहना चाहिए, पंचक में दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए, पंचक में घर में घास और लकड़ी को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, पंचक के दौरान चारपाई बुनना खरीदना बेचना नहीं चाहिए, और पंचक के दौरान मकान दुकान आदि की छत भी नहीं डलवानी चाहिए।
अंतिम संस्कार इत्यादि करवा रहे हैं तो विधिवत पंचक शांति करवा के ही आपको संस्कार करवाना चाहिए। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020 पर। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।